आप निरंतर साथ हैं, देख रहे हैं कि किस तरह के हालात हैं। डे बाय डे लोगों का उत्साह बढ़ता जा रहा है। आज जब भी मेरे 5-6 गांव के पहले इससे कार्यक्रम से पहले प्रोग्राम थे, वहां सब जगह लोगों ने इनेलो छोड़ करके, कांग्रेस छोड़ करके जजपा और भाजपा ज्वाइन करने का निर्णय किया है। किसी को बुलाओ, फैसला यहाँ के निर्णायक मतदाताओं ने करना है और यहाँ की जनता जो फैसला लेगी वो फैसला होगा। ऐसी बातें आप इसी से गढ़, मैंने बताया कभी राजाओं के होते थे, गढ़ आज खंडर हो चुके। गढ़ अब प्रजातंत्र में जनशक्ति सबसे बड़ी शक्ति है, जनता के ही गढ़ है। वो किसका फैसला करेंगे, निर्णय करना उनका काम। नहीं देखे, सपने साकार किए हैं। आज हरियाणा प्रदेश की सत्ता में भागीदार जुमा जुमा 4 दिन पहले हुई जननायक जनता पार्टी है कि नहीं है? ये सपना है या सपने को साकार करने का मामला? सभी साथी बैठने का कष्ट करें। साथियों, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह जी चौटाला, भाई गोपाल काला जी हमारे बीच में चुनके जोरदार तालियों से आए हुए नेता, आपसे वोट की अपील करने के लिए सभी नेता आपके गांव में चुनके 30 तारीख को एक एक मोहर कमल के फूल पर लगा कर भाई गोविंद काला को भारी मतों से जिता करके विधानसभा आगे को बैठ जाओ। गांव कट्टर मंडोली के मेरे मालिकों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, जहां तक घरों में मेरी आवाज जा रही है, मातृ शक्ति सभी को मेरा राम राम प्रणाम। आज डॉक्टर अजय सिंह जी चौटाला और उनकी पूरी टीम, भारतीय जनता पार्टी के सभी लोग, भाई डॉक्टर अजय सिंह जी चौटाला जननायक जनता पार्टी के लोगों के समक्ष आने का मकसद आने वाली इसी 30 तारीख को होने जा रहे इस इलाहाबाद के उपचुनाव के सिलसिले में आपके सहयोग और समर्थन के लिए। तो ये इतनी जल्दी वोट की नौबत क्यों आन पड़ी, ये आप मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं। आपने तो अपना नुमाइंदा यहाँ से 5 साल के लिए एकमात्र बड़े नेता बनने की ख्वाहिश जिनने पाली, सोचा तो ये था कि 26 जनवरी तक किसानों की और सरकार की बातचीत हो जाएगी, मसला हल हो जाएगा, तुझे सुखी भाई भाई मिलेगी। तू तो इस्तीफा देते हुए घमंड में आकर के कहा कि जब तक ये तीनों कृषि काले कानून वापस नहीं होंगे, जब तक आपकी समस्याओं से आपको निजात नहीं मिलेगा, तब तक मैं विधानसभा की दहलीज भी देखने